हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके बारे में, दिस इज आवर वाटर सॉफ्टनर। तो जिन्होंने हमारे होम टूर का वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने बताया था कि वाटर सॉफ्टनर जो होता है वो घर पे आने वाले हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है और पूरे घर में सर्कुलेट करता है, जहां जहां पे भी घर का प्लम्बिंग रन करता है। तो दोस्तों इसका मेंटेनेंस बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है और बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर इसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट नहीं करेगा। हार्ड वाटर आपके पूरे घर के प्लम्बिंग में जाएगा एंड ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्ट डिपॉजिट करता रहेगा, बिकॉज ऑफ विच आपका जो घर का प्लम्बिंग है वो जल्दी खराब होगा। तो हार्ड वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए हमें इसमें डालना होगा सॉल्ट। तो प्लीज कम हियर, रेगुलरली आपको क्या करना है, सिर्फ इस लिड को ओपन करके देखना है। अभी एट दिस पॉइंट जो सॉल्ट है वो पानी के बिल्कुल नीचे जा चुका है, विच मीन्स इसमें सॉल्ट ऐड करने का टाइम हो गया है। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जो सॉल्ट है वो पानी के ऊपर होना चाहिए। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिफिल इट। तो उसके लिए यू गेट सच 20 केजी सॉल्ट पैकेट्स। सो दिस वन वी हैव गॉट फ्रॉम कॉस्टको। So all you have to do is just have to put it, pour it inside, okay? It's very heavy. So ये salt pellets कुछ ऐसे दिखते हैं, and all you have to do is just put it in the water. अभी हमने 20 kgs salt already डाल दिया है, now we'll put another 20 kgs, so we are good for another 3-4 months. And guys, that is pretty much it. तो अभी जो पानी है वो तकरीबन इस लेवल पे है और सॉल्ट हमने यहां तक फिल कर दिया हुआ है। सो नाउ दिस विल एंश्योर दैट वट एवर वॉटर इज कमिंग इन दिस विल बी प्योरिफाइंग इट टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की। जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं, और ये जो सॉल्ट हमने डाला हुआ है जब इस पे हार्ड वाटर पास होगा तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस सॉल्ट एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज वॉटर दैट डज नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज सॉफ्ट वाटर। सो दैट सॉफ्ट वाटर इज कैन बी यूज फॉर डेली बेस पर्पजेस एंड इट विल नॉट हार्म योर हाउस प्लम्बिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों अभी हमने ये सॉल्ट डाल दिया है एंड टेक्निकली अवर जॉब इज डन। तो नाउ व्हाट दिस system will do here is, if you can see, it is having a remaining gallons, it shows here. So right now it is having around 65 gallons worth of water left. So now what it will do is, once it reaches zero, it will trigger a regeneration cycle. So regeneration cycle mein kya hoga, ye pura system clean up hoga and then it will start to pump fresh water and it will work again. To ye regeneration chahiye to main abhi khud isko trigger kar sakta hoon. Or I will let it happen on its own, automatically let it work at whatever time it is pre-programmed to. So guys, that is pretty much it. So आपको regularly यहाँ पे every 15 days या 20 days या once in a month आके ये check करना है कि salt water salt कितना नीचे जा चुका है। जब पानी salt के ऊपर आ जाए तब आपको इसमें फिर से salt add करना है। तो दोस्तों इसमें आप कोई भी इस तरह का salt use कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होता है दैट इट इज
प्रीमियम क्वालिटी सॉफ्टनर सॉल्ट, सो दिस यू कैन बाय। कॉस्टको में ये हमने खरीदा था 599 का एंड इट इज अराउंड 20 kgs। सो फॉर अ फैमिली ऑफ, सो लाइक फॉर आर फैमिली, टू एडल्ट्स एंड टू किड्स, वी पुट अ पैक ऑफ 40 kgs ऑफ सॉल्ट एंड इट लास्ट फॉर अ गुड 4 months। सो अराउंड $12 टू मेंटेन योर वाटर सॉफ्टनर फॉर 3.5 to 4 months। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली डू, यू नो वॉट टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड विद दिस वी से गुड बाय, टेक केयर, मच लव।